Good morning all my dear students of class 3. As in the last class of class 3, we have already started the lesson number 3. The name of the lesson is, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, lesson का नाम है तीन गुड़िया. तो चलिए, मैं आज का पाठ शुरू करने से पहले आपको थोड़ा रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि एक कलाकार आता है अकबर के दरबार पर तीन गुड़िया लेकर, और अकबर उसे खरीदना चाहता है पैसे से, लेकिन वह तीनों गुड़िया एक समान होता है और वह कलाकार बोलता है कि मैं उसे ही दूंगा जो इन तीनों गुड़िया में से बता पाएगा कि कौन सा सबसे सुंदर है या सबसे अलग है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में लिखा है, सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल ना हुआ. फिर अकबर कुछ कह रहे हैं बीरबल से. तो अकबर क्या कह रहे हैं, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? फिर बीरबल ने कहा, कोशिश करके देखता हूँ जहाँ बना. तो बीरबल ने कहा कि कोशिश करके देखता हूँ. फिर दूसरे चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी. वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते. तो वो तीनों, क्योंकि वो तीनों गुड़िया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीनों गुड़िया लगभग एक समान थी, तो तीनों गुड़ियों को एक बार पकड़ कर कान से फूंक मार रहा था बीरबल, फिर उसके आँख में देख रहा था, फिर उसके मुंह में फूंक मार रहा था. फिर वे तीसरे गुड़िया को दिखाते हुए बोले, फिर एक तीसरे गुड़िया को लेकर बीरबल ने उसे लेकर जहाँपनाह की ओर दिखाते हुए क्या कह रहा है, देखिए कि जहाँपनाह यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है. तो बीरबल क्या कह रहा है कि जहाँपनाह यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्यों? तो जहाँपनाह ने पूछा, वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया. तो आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज्ड होना. हम सरप्राइज्ड होते हैं कि नहीं कोई अच्छी चीज़ देखने पर? वही तो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों गुड़िया को किसने लाया था, तीनों गुड़ियों को एक कलाकार ने लाया था, और कोई नहीं बता पा रहा था कि इन तीनों गुड़िया में से सबसे अलग गुड़िया कौन सी है, लेकिन बीरबल ने बता दिया कि ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है. तो अकबर हैरान हो गए थे. अकबर ने कहा, वह कैसे? फिर जैसे कि आप चित्र पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीरबल कुछ बता रहे हैं. बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िये के दूसरे कान से हवा निकल गई. ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं. तो बीरबल क्या कह रहे हैं, बीरबल कह रहे हैं कि जब मैंने तीनों गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस तीसरे गुड़िये के कान से दूसरे कान से फूंक की हवा निकल गई, यानी कि यह ऐसे लोग दूसरे के बातों को अनसुना कर देते हैं, तो यह गुड़िया बहुत अच्छी है. फिर और क्या कहा बीरबल ने, कि इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली, यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं. ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते. तो दूसरी गुड़िया को लेकर बीरबल कह रहा है कि जब मैंने इसके मुंह पर, कान पर फूंक मारी तो हवा इसके मुंह से निकली, मतलब यह दूसरों की बात सुनकर दूसरों को बता देते हैं. ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते. विश्वसनीय मतलब जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते. तो आज का पाठ में हमने जाना कि किस तरह कलाकार आया था तीन गुड़ियों को लेकर, जहां पर उसने अकबर से कहा था कि यह तीनों गुड़ियों में से जो सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बता पाएगा, मैं यह तीनों गुड़िया उसको दे दूंगा. तो कोई भी बता नहीं पा रहा था मंत्रियों में से. सिर्फ बीरबल ने कहा, मैं कोशिश करके देखता हूँ, और बीरबल ने तीसरे गुड़िया को कहा कि यह गुड़िया बहुत अच्छा है. क्यों कहा? क्योंकि जब उसने फूंक मारा उसके कान पर, तो उसका जो फूंक की हवा है, वह फूंक की हवा उसके दूसरे कान से निकल गई, मतलब यह उन लोगों में से है जो दूसरों की कही हुई बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं. तो आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ. दूसरे पाठ पर मैं आपको, दूसरे क्लास में मैं यह पाठ जारी रखूंगा और आपको समझाऊंगा कि दूसरे और तीसरे गुड़ियों में क्या क्या विशेषताएं थी. तब तक के लिए धन्यवाद.